एक गुलामी तो बाद दूजी गुलामी की शुरुआत 15 अगस्त 1947 का दिन सिखा की एक दूजी जिथे कि पहला चिट्टे रंग के लोग लोगों के असी गुलाम सा हूँ काले हिंदू के असी गुलाम बन चुके हैं। वो हिंदू वो ब्राह्मण जिसने कि हिंदुस्तान की धरती के उत्ते बुद्ध धर्म को लोगों जूझा साड़ के उन्होंने मठा अग ला के बुद्ध धर्म आज दुनिया ने दूजे मुल्कों बेचा जाता है पर हिंदुस्तान के बुद्ध से थोड़ा बुद्धि नज़र आऊंगी। ये वो कौम है जिन्होंने जैनियों को हड़प किया बोधियों को हड़प किया चाहते हैं इस तरह ही सिख कौम को हड़प करना चाहते हैं जे इस ब्राह्मणी सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर कोई भी शख्स रहना चाहते हैं वो भावें मुसलमान होवे भावें वह सिख होवे भावें ईसाई होवे भावें किसी भी मजहब मनन वाला वो चाहते हैं भी वह अपने आप को हिंदूता हिंदू बन के रहे तो रह सकता जिनका एको ही गुजारा हिंदी हिंदू तो हिंदुस्तान जो कि भी नामुमकिन है। सो अज असी जो दल खालसा ब्रिटिश सिख स्टूडेंट फैडरेशन होर सिख जथेबंदियों वालों साझे तौर के ऐलान के कला दिवस मनाया जा रहा है अज लंदन के इंडियन हाई कमीशन के बाद असी ये मुजाहरा कर रहे हाँ जिदा सारा प्रबंध दल खालसा ब्रिटिश सिख स्टूडेंट फैडरेशन वालों किया जा रहा है। सो आओ भराओ इस 15 अगस्त के दिहाड़े उत्ते जोड़े लोग आज़ादी के जश्न सिख हो के भी हिस्सा लै रहे हैं उन्होंने होश आनी चाहिए है। पिछले 63 साल के अंदर जो सिखा के नाल किया गया है कतलेआम सिखा का होया है जो सिखा मारिया गया है जो सिखा के नाल विश्वासघात किया गया है अज का दिन भारतीय नहीं दुनिया के इतिहास में विश्वासघात यह है। असी अपने 10 लाख भावें वह मुसलमान सन भावें सिख हैं वीरां ने अपने आप को शहीद करवा के कतल करवा के जो 1947 के होया ये सारा ही दोष जो है ये ब्राह्मण के उत्ते है ब्राह्मण ने ही वंडिया पाई हैं ब्राह्मण का ही सारा काम है। तो अज भी जो ब्राह्मण है उस खिते के अंदर जिहड़ियां आजाद कौमां हैं उन्होंने हो चुकी ने उन्होंने आइडेंटिटी को मनता नहीं तो जोड़े आज़ादी चाहते हैं उन्होंने उत्ते जो है जुल्म करने की गल करता है भावें नागालैंड के लोग हैं मणिपुर त्रिपुरा अरुणाचल असाम मेघालय दार्जिलिंग कश्मीर अते पंजाब के सिख सारे ही इस जो अखौती इंडिया की यूनियन है इस तो आज़ादी वास्ते अपना काम कर रहे हैं। खास तौर से जोड़ा इंडिया का कहा जाता कि मनमोहन सिंह एक सिख प्राइम मिनिस्टर है पर जे वही प्राइम मिनिस्टर सिख आप किमें कह सकते हाँ जिते जेडे कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिख बोधी एंड जैनी हिंदू धर्म दंप्रदावान आगे को इंडिया जो जो कॉन्स्टिट्यूशन है सिखा हिंदू मनता है सिखों अज तक सिख नहीं मनिया सिखे का किसी बच्चे का विह हों उन्होंने हाथ में हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया जाता है उस हिंदुस्तान के अंदर सिखा अजे तक सिख के तौर के उत्ते कानूनी तौर पर नहीं मनिया तो साड़ा मुल्क किमें हो सकता है। आओ खालसा जी दुनिया के अंदर एक चिड़िया के भी आने हैं जे मुसलमान भरावान के दुनिया के अंदर 50 मुल्क हो सकते हैं जे क्रिश्चन के मुल्क हो सकते हैं जे हिंदुओं का नेपाल मुल्क हो सकता है होर दुनिया के लोगों के धर्मों के ईसाइयों का इसराइल यहूदियों का हो सकता है तो सिखों का खालसा कौन सकता। आओ जिन्हें कौमों के अपने घर नहीं होंगे उन्होंने कोई भी दुनिया के जीवन का हाल नहीं होंगे जिस मनुख का अपना घर ना हो जीवन का किराए से रहने वाला हाल माड़ा होंगे इस तरह जिस कौम का घर नहीं वो हालत करिए अच्छा गुरुओं की अरदास करिए भी इस जो गुरुआं की धरती पंजाब है जिदा चप्पा चप्पा सिख शहीदों के लहू नाल सिंझिया होया जिदी वो सवेर है वो चप्पी नाल होवे जिदी जो शाम है वह राष्ट्र नाल हो उस धरती के उत्ते किस इंसान साहब हो आवाजा आन किसी ही की सरकार है ती गग हो अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जो किया गोड़ भले गोड़ बंदे सबे साझी वास हैं कोई ना दस्से बारा जी हो यह खालसा राज जैसे दुनिया के तमाम होर कौमों बराबर लैके आज़ादी लैके उत्थे एक यहोजा शहर शहर बेगमपुरा होवे जिसे किसी को भी कोई डर पौना होवे अपनी धार्मिक आज़ादी भी होवे अपने लोग जो अपने ढिड भर के अपना खाना भी खा सकन जो उत्थे बेईमान जो सौदेबाज ते डकैत जिहड़े आ इन्हां तों आपां छुटकारा पा सकीए। इन्हां गल्लां नाल ही मैं कहिंदा खालिस्तान जिंदाबाद खालिस्तान बन के रहेगा।